हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत हैं आज की कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ और खुशियों भरी खबर। बेसिक शिक्षा में पदोन्नति के 52,000 पद खाली, जाने कब तक होगी पदोन्नति। अब मिड डे मील में बच्चों को परोसा जाएगा गुणवत्ता युक्त चावल। बिना परीक्षा कैसे घोषित किए जाएंगे प्रेरक स्कूल। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए 1 महीने के अभियान का ऐलान। लखनऊ, प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति पूरा करने का अभियान चलाने का फैसला किया है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने प्रदेश के समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों को पदोन्नति के माध्यम से भरी जाने वाली समस्त रिक्तियों की गणना कर 31 अक्टूबर तक पदोन्नति की कार्यवाही पूरा करने का आदेश दिया है। प्रदेश में पदोन्नति के 1 लाख से अधिक पद रिक्त बताए जा रहे हैं। सरकार के बार बार निर्देश के बावजूद कई विभागों में कई वर्षों से कई संवर्गों की पदोन्नत की कार्यवाही नहीं हुई है। लंबी सेवा के बाद भी अधिकारी बिना पदोन्नत रिटायर होने को मजबूर हैं। समय से पदोन्नति न होने से कई विभागों में विभागाध्यक्ष के पद तक खाली हैं। इससे कार्मिकों में बड़ी नाराजगी है। चयन वर्ष 2021-22 तक की रिक्तियों पर अक्टूबर में पदोन्नति पूरा करने का फरमान। पदोन्नत के लिए 1 माह के अभियान का ऐलान। प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों की लंबित पदोन्नत पूरा करने का अभियान चलाने का फैसला किया है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों को पदोन्नत के माध्यम से भरी जाने वाली सभी रिक्तियों की गणना कर 31 अक्टूबर तक पदोन्नत की कार्यवाही पूरा करने का आदेश दिया है। प्रदेश में पदोन्नत के 1 लाख से अधिक पद रिक्त बताए जा रहे हैं। सरकार के बार बार निर्देश के बावजूद कई विभागों में कई वर्षों से इस पर कार्यवाही नहीं हुई है। इसके चलते कई विभागों में विभागाध्यक्ष तक के पद खाली हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने प्रशासकीय व अधिष्ठानीय नियंत्रणाधीन कार्मिकों के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर चयन वर्ष 2021-22 तक पदोन्नत की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए। इसके लिए पदोन्नत से भरी जाने वाली समस्त रिक्तियों का नियमानुसार गणना कर पदोन्नत की कार्यवाही 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाए। तिवारी ने पदोन्नति संबंधी कार्यवाही पूरी करने के बाद 8 नवंबर तक इसकी सूचना उपलब्ध कराने को निर्देशित किया है। इसमें बताना होगा कि 2021-22 तक पदोन्नति संबंधी कुल कितनी रिक्तियां थीं और कितनी पदोन्नति की गई। चयन वर्ष 2021-22 तक की रिक्तियों पर अक्टूबर में पदोन्नत पूरा करने का फरमान। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को जारी किए निर्देश। 1 लाख पदों पर पदोन्नति का इंतजार। पशुपालन में निदेशक से CBO तक के पद रिक्त। पशु चिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि पशुपालन विभाग में पदोन्नति न होने से निदेशक रोग नियंत्रण के अलावा अपर निदेशक ग्रेड 1 के 4 पद खाली हैं। 17 पद अपर निदेशक के खाली हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के 30 और डिप्टी CBO के 250 पद खाली हैं। इसी तरह निदेशक पशुपालन का पद भी खाली हो गया है। कृषि विभाग में 2000 से अधिक पद खाली। अधीनस्थ कृषि सेवा संघ के महामंत्री अंबा प्रसाद शर्मा के अनुसार मुताबिक वर्ग 3 से वर्ग 2 में पदोन्नत के लिए करीब 1500 पद खाली हैं। इसी तरह वर्ग 2 से वर्ग 1 में 581 पद खाली पड़े हैं। वर्ग 1 में पदोन्नत के लिए करीब 6000 से DPC नहीं हुई है। छः वर्ष से DPC नहीं हुई है, जिससे इस कोटे के लगभग सभी पद रिक्त पड़े हैं। PWD ग्राम विकास व बिजली में भी यही हाल। PWD में पदोन्नत कोटे के अधिशासी अभियंता के करीब 186 पद खाली हैं। ग्राम विकास विभाग में विकासखंड अधिकारी के करीब 242 पद खाली हैं। बिजली विभाग में भी करीब 40 पदों पर पदोन्नति का इंतजार है। इसी तरह बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में CDPO के पदोन्नति संवर्ग के करीब 350, कार्यक्रम अधिकारी के 9 और मुख्य सेवक सेविका के 349 पद खाली हैं। दोस्तों, सबसे खुशी वाली बात यह है आपके लिए, जो आपके लिए विशेष न्यूज़ है, कि बेसिक शिक्षा में पदोन्नत के 52,000 पद खाली। बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक से प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत के 52,000 से अधिक पद खाली हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र मिश्र ने कहा कि इससे सरकार द्वारा शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों पर असर पड़ रहा है। राजस्व विभाग में 4 चयन वर्ष से इंतजार। राजस्व विभाग में चयन वर्ष 2017-18 से लेखपालों की पदोन्नति लंबित है। इसके चलते पात्र लेखपाल बिना पदोन्नत के ही रिटायर हो गए। राजस्व लेखपाल के राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नत के करीब 3000 पद खाली हैं। इसी तरह करीब 600 राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति का इंतजार है। बिना परीक्षा कैसे घोषित किए जाएंगे प्रेरक स्कूल। वाराणसी को प्रदेश का पहला प्रेरक जनपद घोषित करने में शासनादेश का पेच फंस गया है। अगस्त से क्रमबद्ध ढंग से छात्रों की लर्निंग आउटकम परीक्षा के साथ अभिभावकों की परीक्षा और शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाना था।
मगर परीक्षाएं ना कराने के शासनादेश के बाद इसे स्थगित कर दिया गया। बिना परीक्षा के अब वाराणसी को प्रेरक जनपद घोषित करने की तैयारी है। इसके लिए सभी स्कूलों से रिपोर्ट मांगी जा रही है। प्रसिद्ध स्कूलों के बच्चों के शिक्षा का स्तर जांचने के लिए प्रणालक्ष तय थे। कक्षा एक के बच्चों को अक्षर ज्ञान और इनसे ऊपर की कक्षाओं में शब्द ज्ञान, गिनती, पहाड़ा और सवाल हल करने जैसे लक्ष्य थे। इनके आधार पर छात्र स्कूल और ब्लॉक को प्रेरक का दर्जा मिलना था। सबसे अधिक प्रेरक स्कूल और ब्लॉक वाले जिले को प्रेरक जिला घोषित करने की तैयारी थी। बेसिक शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर रहे वाराणसी को 2 अक्टूबर तक प्रदेश का पहला प्रेरक जिला घोषित करने का लक्ष्य था। इसका आकलन स्कूलों में रैंडम टेस्ट से करने की रणनीति थी। अगस्त में परीक्षाएं न कराने के शासनादेश की वजह से बेसिक शिक्षा विभाग ने व्यवस्था में बदलाव किया है। कक्षाएं चलते हुए 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है। ऐसे में स्कूलों से अब रिपोर्ट मांगी जा रही है। बच्चों, अभिभावकों की प्रेरणा लक्ष्य परीक्षा शासनादेश पर हुई स्थगित। अब स्कूलों से ली जा रही रिपोर्ट के आधार पर प्रेरक घोषित होंगे। अब मिड डे मील में बच्चों को परोसा जाएगा गुणवत्तायुक्त चावल। प्रतापगढ़ प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों के बच्चे अब गुणवत्तायुक्त चावल खाएंगे। बच्चों की सेहत के लिए मिड डे मील में गुणवत्तापूर्ण चावल परोसा जाएगा। प्राथमिक व मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए जिले में 10,752 क्विंटल गुणवत्तायुक्त चावल आया है। सरकारी राशन की दुकानों से इस चावल की आपूर्ति होगी। जिले में 2,034 प्राइमरी और 722 मिडिल स्कूल हैं। इन विद्यालयों में कुल 2,84,000 बच्चे पढ़ते हैं। प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में पढ़ाई के साथ ही मिड डे मील भी परोसा जाता है। अब तक प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में साधारण चावल ही मिड डे मील में दिया जाता था, मगर अब बच्चों को गुणवत्तायुक्त चावल दिया जाएगा। कुपोषण रोकने एवं बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने इस बार मिड डे मील में गुणवत्तायुक्त चावल परोसने के निर्देश दिए हैं। जिले में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के कुल 10,752 क्विंटल चावल आया है। इससे प्राइमरी के लिए 5,763 क्विंटल व मिडिल स्कूल के लिए 4,989 क्विंटल चावल आवंटित हुआ है। इसे राशन की दुकानों के माध्यम से बंटवाया जाएगा। पूर्त निरीक्षक रानीगंज जितेंद्र यादव ने बताया कि राशन विक्रेताओं को विद्यालयों से डिमांड आने पर सप्लाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।